आजमगढ़ नगर के मुकेरीगंज में भू माफियाओं द्वारा धार्मिक पोखरे पर कब्जा किए जाने से आक्रोशित मोहल्लावासी जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे और एक ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा। आजमगढ़ नगर क्षेत्र के मुकेरीगंज मोहल्ला की रहने वाली महिलाएं आज सैकड़ों की संख्या में जिलाधिकारी कार्यालय पहुंची। उनका आरोप था कि मोहल्ले में स्थित पोखरी, जो उनका धार्मिक स्थल है और वहां कई वर्षों से जूतिया सहित अन्य त्योहार में वह पूजा पाठ करती हैं, उस पोखरी पर कुछ भूमाफियाओं की नजर पड़ गई है और वह उसे पाट रहे हैं। उन्होंने कहा कि अब वह पूजा पाठ के लिए कहां जाएं। महिलाओं ने जिलाधिकारी से मिलकर उन्हें ज्ञापन दिया और मांग की कि उस स्थल को भूमाफियाओं से मुक्त कराया जाए। ये सामूहिक स्थल है जो धार्मिक ढंग से हम लोग उस पर जीवतिया पूजन करते आ रहे हैं और अरे कई दशकों से कर रहे हैं कि हम लोगों के कई पुरखों से वहाँ पर पूजा पाठ होते आया। अब दूसरी बात यह है कि वहाँ एक पीपल का पेड़ था तो वहाँ जब सब कोई मरता था तो वहाँ घंट ओंट भी बांधा, मैंने बहुत मैंने अच्छे ढंग से वहाँ पूजा पाठ और सारा का कर्मठ होता था, लेकिन भूमाफियाओं का ऐसा चक्कर चला कि सब का सब पाटते पाटते पोखरे को मैंने अतिग्रस्त कर दिए एकदम। और इसके बाद आज, इसके पहले भी हमने लड़ाई लड़ा था जब सभासद थे उस समय, तो उस समय एसडीएम सदर ने उसको मैंने लाल इंक लगाई थी कि यहाँ पर कोई किसी तरह का मैंने कोई इस पर कब्जा ना ले,